सुसाइडल थॉट्स बार बार आना, आत्महत्या करने का मन करना, यदि ऐसे विचार आपको भी आते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हेलो दोस्तों, एपी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको भी बार बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आत्महत्या के विचार से ग्रसित हैं, या आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा कोई फोबिया है, ओसीडी है, डिप्रेशन है, जिसके अंतर्गत आपको भी इस तरीके के थॉट्स आते रहते हैं। बहुत सारे लोग जब हमारे पास आते हैं या कमेंट करते हैं तो बातचीत होता है हमारा उनके साथ, तो वह बताते हैं कि सर अब तो मन ऐसा करता है कि मैं सुसाइड कर लूं, जीवन में कुछ नहीं बचा है क्योंकि मैं इस डिप्रेशन से इतनी बुरी तरह से प्रभावित हूं। ओसीडी में भी लोगों को बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अब मैं सुसाइड कर लूं। तो इस चीज को अब हम इसके अंदर समझते हैं कि ये ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। जब किसी व्यक्ति के इमोशन और फीलिंग्स एक जैसे नहीं बनते हैं तब वह अपना जो बिहेवियर है उसे सेट नहीं कर पाता और जो बिहेवियर है उसे समाज के अकॉर्डिंग नहीं रख पाता, तो इस वजह से उसे एडजस्टमेंट का यहाँ प्रॉब्लम होता रहता है। अब इससे जो सफरिंग करते हैं उन व्यक्तियों को दो चीजों से परेशानी होती है, पहला तो खुद के साथ एडजस्टमेंट करने में उन्हें प्रॉब्लम होता है, दूसरा समाज के साथ भी उन्हें एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होता है। तो इन दोनों चीजों को उनके लिए एडजस्टमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इससे परेशान होकर वह अपने आप को खत्म करने का सोच लेते हैं। वह सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है मैं सुसाइड कर लूं, सुसाइड करना ही एकमात्र विकल्प मेरे लिए बचा है। तो यह जो एक विचार है आपका, यह बिल्कुल ही नेगेटिव विचार है, इससे आपको दूर रहना होगा। इसके अंदर आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम से आप हो या आपसे प्रॉब्लम है, ये चीज को समझ लो। इससे क्या होगा, आपके सोचने और समझने की जो क्षमता है वह चेंज होगी, चेंज होगी तो कुछ अच्छा सोच पाओगे आप और समझ पाओगे क्या होता है। तो इसके अंदर समझने वाली एक चीज है कि जो प्रॉब्लम है वह आपसे है, न कि आप प्रॉब्लम से हो। प्रॉब्लम है वह आपसे है, आपकी एक तुच्छ सी देन है, और इस चीज को हम समझ करके ठीक कर लेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसके अंदर बोलते भी हैं कि सर आप बोलते हो प्रॉब्लम खुद से है, प्रॉब्लम से हम नहीं है तो इसीलिए तो खुद को समाप्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम आपसे है तो आप खुद को समाप्त कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आपसे है तो आप उसको सुधार भी तो सकते हो ना। सिंपल सी चीज है और इसको यदि हम समझ करके ठीक कर लेते हैं तो जो हमारा सुसाइडल थॉट्स है वो काफी हद तक कम हो जाता है, और मैं तो मानता हूं कि खत्म ही हो जाता है। इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है, उस प्रॉब्लम को हम एडजस्ट नहीं कर पाते ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए आपको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, आप उससे ठीक हो सकते हो। तो यदि आपको कोई मानसिक समस्या है और आपको ऐसा ही मन करता है बार बार कि हाँ मैं सुसाइड कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, तो इस तरीके का विचार आपको आता है तो आपको इसके अंदर अपने साइको एजुकेशन लेवल को ठीक करना पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट का मदद लेना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको भी इसमें किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।